एवरीवन, वेलकम बैक टू एविएशन लाइफ। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कैसे मेकअप करना चाहिए। इसके लिए आपको मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना पड़ेगी और पार्लर में जाके मेकअप भी नहीं करना है आपको। थोड़ा कुछ सामान लगेगा एंड वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको यूज करना है एक फेस वॉश, लाइक यू कैन यूज एनीथिंग। आफ्टर फेस वॉश आपको यूज करना है एक टोनर। टोनर आपका स्किन को पीएच बैलेंस करता है। क्यों अब मैं यूज कर रही हूँ काया का ये वाला टोनर। यू कैन यूज एनीथिंग। टोनर के बाद आपको लगाना है एक मॉइस्चराइजर। स्किन को मॉइस्चराइज करना मेकअप से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई एम यूजिंग हियर निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। यू कैन यूज एनीथिंग। अगर आपका स्किन ड्राई होगा तो मेकअप ठीक से बैठेगा नहीं और आपको मेकअप इधर से क्रैक हो सकता है। इसके लिए मॉइस्चराइजर बहुत ही जरूरी है। मॉइस्चराइजर के बाद आपको लगाना है एक प्राइमर। आई एम यूजिंग हियर लैक्मे का प्राइमर। ये वाला प्राइमर आपको इजीली लोकल स्टोर में मिल जाएगा और आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। नायका में, अमेजोन में चल जाता है। इसका छोटा पैकेज आपको आ जाएगा 299 रुपीज में। आपको प्राइमर उसी जगह पे लगाना पड़ेगा जिसमें आपका पोर्स दिखता है। देख मेरा इधर और इस साइड पे बहुत ज्यादा पोर्स दिखता है। एंड आपको वो प्राइमर बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, लाइक ऐसे। जो प्राइमर है आपका वो स्किन में बैठ जाए, इसलिए आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यूज करना है एक फाउंडेशन। अगर आप फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा एक बीबी क्रीम और सीसी क्रीम पे जा सकते हो। आई एम यूजिंग हियर पॉन्स बीबी क्रीम। अगर आपका स्किन में कोई दाग वगैरह नहीं है तो आप सीधा कॉम्पैक्ट पे जा सकते हो। नाउ आई विल अप्लाई माय बीबी क्रीम। अगर आपका फेस गोरी दिखेगा और आपका नेक काला दिखेगा तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसलिए गले पे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो बट इसका कोई जरूरत नहीं है। आप अपने फिंगर टिप से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, लाइक आई एम डूइंग। अगर आपको डार्क सर्कल है, लाइक इधर आपको डार्क सर्कल है और एक्टिव मार्क्स इधर उधर है, तो आप एक कंसीलर यूज कर सकते हो। ये फिट मी का कंसीलर बहुत ही अच्छा होता है और अफोर्डेबल भी है। आपको बस ये कोने पे और इस कोने पे लगाना है और ऊपर सेम। कंसीलर को ब्लेंड करना है आपको इस टाइप के एक ब्यूटी ब्लेंडर से। इसको आपको यूज कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगेगा एक बोल पानी। उसमें आपको ये डीप करना है। बहुत ही अच्छे से डीप करने के बाद उसको ऐसे निचोड़ देना है। देन ऐसे होगा, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। आपको कंसीलर ऐसे ब्लेंड करना है, ऐसे ऐसे घिस के नहीं, ऐसे ब्लेंड करना है आपको। जो कंसीलर आप डार्क सर्कल के लिए यूज करना चाहते हो वो बस आपको डार्क सर्कल हाइड करे, इसलिए आपको ऐसे डैब डैब मोशन पे आपको ब्लेंड करना है। मेरा फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए मुझे कॉम्पैक्ट यूज करना पड़ेगा। उसके लिए ये फिट मी का कॉम्पैक्ट है। इसका प्राइस है 199। इसके लिए आपको लगेगा इस टाइप का ब्रश जो कि आपको 100 रुपीज में रिटेल शॉप में मिल जाएगा। ऐसे करने के बाद आपको डस्ट करना है एक्सेस पाउडर को, देन आपको यूज करना है ऐसे।
ये वाला पोर्शन पे बहुत जल्दी ही फाउंडेशन क्रीज हो जाता है, इसके लिए आपको इधर थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके बाद आपको आईब्रो को फिल करना है, इसके लिए आपको लगेगा एक इस टाइप का ब्रश, जिसमें एक साइड रहेगा आपका स्पूली और दूसरी साइड आपका रहेगा ये प्रोडक्ट, आईब्रो प्रोडक्ट। अगर अगर आपको नहीं आता है आईब्रो फिल करना, तो नहीं करना भी चाहते हो, तो आप स्पूली से ऐसे कॉम कर सकते हो आपको आपका आईब्रो को, बस दैट्स इट। अगर आप करना चाहते हो तो आपको इधर जो एजेस होता है इससे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आप मेरे दोनों आईब्रो देख सकते हो कि दोनों में एक स्ट्रक्चर है जो पहले नहीं था। हमको चीक्स पे ब्लश अप्लाई करना है, उसके लिए आपको लगेगा एक लिप बाम। दिस इज द सीक्रेट ट्रिक ऑफ माइन, आई विल शो यू ये कैसे आपको यूज करना है। बस ऐसे हल्के हाथ से, देन इधर, देन आंखों के ऊपर लाइक आई शेडो लगा देना है, और उसके बाद आपको ब्लेंड करना है। इसमें से आपको बहुत ही नेचुरल सा एक लाइक रेडिश ब्लश इफेक्ट आ जाएगा। इसके लिए आपको अलग से ब्लश खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक आईलाइनर, इसके लिए ये वाला आईलाइनर, ये पर्पल पे मिलता है और इसका प्राइस है ओनली 60 रुपीज। ये बहुत ही अच्छा है। आईलाइनर लगाने के लिए आपको इधर से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस वे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको आपको जोड़ना है इस साइड से लेके इतना तक, बस। देन आपको फिल करना है ये लाइन। देन आई विल सजेस्ट डोंट अप्लाई काजल, लाइक जितना भी महंगा काजल आप लगा लो वो स्मच करेगा ही करेगा, एंड इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू बहुत टाइम से होगा, तो आई विल सजेस्ट कि आप मत करो काजल यूज। उसके बदले में आप लाइनर एंड मस्कारा यूज कर सकते हो। इधर मैं लॉरियल का एक मस्कारा यूज कर रही हूँ। अगर ये वाला थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, आप मेबलिन का मस्कारा ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है और उस बहुत सस्ते में भी आता है, उसका प्राइस 200 और 300 ऐसा। मस्कारा यूज करोगे तो उसके टाइम पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा लाइक ऐसे। यूज कर रही हूँ ये भेला बोस्टे का अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक, एंड ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, लाइक 200 में आपको इजीली पर्पल पे मिल जाएगा। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक लगाना नहीं आता है तो आप बुलेट लिपस्टिक लगा लो। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो मास्क से उसका कोई भी कुछ नहीं होगा, ये स्मच प्रूफ है टोटली। वेन्यू में जाके आप मेकअप कर लो, ये मेकअप आपको मैक्स टू मैक्स 5 to 6 hours तो इजीली चल जाएगा, उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट रीअप्लाई करना पड़ेगा।
अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, ये मेकअप वाला वीडियो अच्छा लगा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना कि इसके बाद आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, लाइक लड़कियों के लिए कैसे ड्रेस पहन के जाना चाहिए और टाई हेयर टाई कैसे करना है, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी। कमेंट कर देना और प्लीज़ ज्वाइन क्रैश कोर्स एंड सब्सक्राइब टू एविएशन लाइफ एंड प्लीज़ लाइक कर देना ये वीडियो को।